सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आशा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशा का ये नया वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने किसी भी दोस्त का व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करके अपने खुद के व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप की मदद के। तो ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए और जान लीजिए कि कैसे आप किसी भी दोस्त का व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप पे आ जाना है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ये देखिए व्हाट्सएप पे आ गया। इसमें आपका ऑप्शन दिख रहा है चैट स्टेटस और कॉल्स का, तो चैट में आपको आ जाना है। चैट में आप देख सकते हैं कि ये मैंने माई स्टेटस में मैंने अपना लगा रखा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रिसेंट अपडेट में इन सब लोगों ने अपना जो है स्टेटस लगा रखा है। तो आप इसमें जो है आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका, ये मेरा कॉन्टैक्ट है सिल्लू नाम का। अब इसको मैंने क्लिक किया, आप देखिए इसमें इन्होंने लगा रखा है ये स्टेटस, ये इमेज इन्होंने लगा रखी है, ये देखिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये सॉन्ग, ये देखिए। तो अब ये मैंने एक बार ये स्टेटस पूरा सुन लिया है। अब इसके बाद मुझे बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद मुझे जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आप आइए। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा फ़ोन स्टोरेज और एसडी कार्ड, तो आपको इसमें से फ़ोन स्टोरेज में जाना है। अब इसमें आप देखिए यहाँ आपको व्हाट्सएप का एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा, ये देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है व्हाट्सएप। अब इस पर अंदर चले जाना है आपको। उसके बाद आपको मीडिया के अंदर जाना है। अब मीडिया के अंदर आप देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन है, इमेज का, एनिमेटेड, वीडियो, वॉइस नोट, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें आपको कहीं भी स्टेटस नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। इसमें नीचे देखिए मोर लिखा हुआ है, आपको इस पर जाना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है शो हिडन फाइल। शो हिडन फाइल पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ स्टेटस का एक फोल्डर है जो कि हिडन होता है, वो आपको शो कर जाएगा। अब आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है 79, मतलब कि मैंने 79 स्टेटस इसमें देख रखे हैं। अब ये देखिए ये सारे वो स्टेटस हैं जो मैंने देखे हैं, तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए अब ये आप देखिए ये वही सॉन्ग है जो अभी मैंने स्टेटस में आपको दिखाया था। देखिए ये वही सॉन्ग चल रहा है। तो दोस्तों बहुत ईजी है ये। अब आप इसको अपने स्टेटस पे अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मूव करके इसको अपनी गैलरी में भी कर सकते हैं, कॉपी करके आप अपने एसडी कार्ड में कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से देखिए सेंड का ऑप्शन आ रहा है, सेंड में जाइए और व्हाट्सएप पे चले जाइए और यहाँ अपने माई स्टेटस पे क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ये देखिए ये हमारा जो है स्टेटस यहाँ पर लग जाएगा। देखिए मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सेंडिंग स्टेटस अपडेट, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ये व्हाट्सएप पर मेरा स्टेटस लग गया होगा। ये देखिए ये चौथा स्टेटस, अभी तक मेरे तीन स्टेटस थे। अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये अब मेरा स्टेटस यहाँ चलने लगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको इसलिए बना करके बताया है कि आप कैसे अपने दोस्तों का भी व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको पसंद आए, और उसको अपने खुद के स्टेटस में लगा सकते हैं बिना किसी ऐप के यूज़ किए हुए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए।